भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को चतरा समाहरणालय के समक्ष झूठ और लूट से भरा झारखंड सरकार के 2 साल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। धरना का नेतृत्व जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा व संचालन जिला महामंत्री मृत्युंजय सिंह ने किया। धरना को संबोधित करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। वह इस धरना में मौजूद चतरा के पूर्व विधायक जनार्दन पासवान ने वर्तमान विधायक सह झारखंड सरकार में श्रम मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता कई आरोप लगाए और यहां तक कहा कि श्रम मंत्री नहीं, यहां सायरन मंत्री है, जंगलों में जाकर सायरन बजाते हैं जिसकी वजह से जंगल में जानवर भागने लगते हैं और जानवरों का हाथ पैर भी टूट जाता है। उन्होंने यहां तक भी कह डाला कि मंत्री कहते हैं कि यहां हमारे विरोधी हैं, यहां सायरन को बजाओ, यह भी आरोप लगा डाला। और वहीं श्री पासवान ने कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार के आंकट में डूबी हुई है, कोई काम किसी भी विभाग में बिना पैसे दिए नहीं होता है, राज्य के अधिकारी कर्मी बेलगाम हो गए हैं और प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को नौकरी देने व बेरोजगारी भत्ता देने की वादा कर सत्ता पाने वाली सरकार अनुबंध कर्मियों की नौकरी छीन रही है। बालू व अवैध खनन करवा कर राजस्व का घाटा कराया जा रहा है। खनिज संपदा खुलेआम लूटे जा रहे हैं। 1 रुपए में महिलाओं के नाम निबंधन कानून को निरस्त कर महिलाओं का हक ये सरकार छीनने का काम किया। कि यह सायरन के मंत्री हैं, अब यहाँ तो कुछ काम हो नहीं रहा। जंगली जानवर को इतना जंगल में सायरन बजा रहे हैं ये, कि जंगली जानवर के भागने में हाथ पैर सब टूट जा रहा है। पत्थर स्थिति यहाँ पर है, आदमी तो रोड पर भाग रहा है, जंगली जानवर भी जंगल में भी सायरन बज रहा है जिससे जंगली जानवर भी भाग रहा है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि विकास के नाम पर केवल लूट मचा हुआ, कोई काम नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, केवल ठगने की बात हो रहा है। विकास के गंगा बहेंगे, कब बहेंगे, कहाँ बहेंगे, कोई अता पता नहीं है। इसलिए यह सरकार पूरी तरह से फेल है। यहाँ के मंत्री पूरा सायरन वाला मंत्री है, सब लोग तो बोलता है शुरू कर दिया है। आपको जब हम गाँव में घूमते हैं तो आदमी बोलता तो आदमी नहीं मिल रहा है, कहा भाई तो जीरो बैलेंस पर बहुत हाईवा आ गया है, अब सब हाईवा में काम कर रहा है, कोलवरी टंडवा में जा करके वहाँ आदमी नहीं मिल रहा है, सबको नौकरी मिल गया टंडवा में। हाँ, आप तजुब करेंगे, हॉस्पिटल वाला जो गाड़ी घूम एम्बुलेंस घूम रहा है, वो एम्बुलेंस वाला बोलता है कि मंत्री जी बोलते हैं कि सायरन बजाओ नहीं, यहाँ पर अगर विरोधी बड़ी रहता है बजाओ जरा कस के। तो ये पत्थर स्थिति है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मंत्री के इस तरह के बयान, मंत्री की इस तरह के कारनामा हमको लगता है कहीं से भी जनहित में नहीं है। जब जनता उजागर करना चाहती है, इस कार्यकलाप को जनता उजागर करना चाहती है। आज राज्य की सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम कांग्रेस और राजद की सरकार है, उसका 2 साल पूरा होने वाला है। यह सरकार झूठ और लूट की सरकार है, झूठा वादा करके राज्य में अपनी सरकार बनाई है और सरकार बनाने के बाद जितने भी जनता से वादा किया था एक भी वादा पूरा नहीं किया है। सभी वर्ग, चाहे वह मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, सबको यह ठगने का काम किया है और यह सरकार लूट का काम कर रही है, ट्रांसफर उद्योग चला करके लोगों का, पदाधिकारियों का शोषण कर रही है और पदाधिकारी फिर आ करके जनता का शोषण करते हैं। इसी के खिलाफ में आज भारतीय जनता पार्टी 1 दिवसीय धरना का आयोजन करके पूरे प्रदेश में यह लूट और झूठ की सरकार का भंडाफोड़ कर रही है।